हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। स्टूडेंट के अंदर बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट करने हैं। आप लोगों ने देखा हो जो मैग्नेट होता है, जो ये वाला मैग्नेट देख सकते हो गाइस, जो स्पीकर डीजे स्पीकरों में निकलता है, इसमें आप लोगों ने देखा कभी मुर्चा नहीं लगता है, जंग कभी नहीं लगती। इसी को ट्राई करते हुए मेरे इस दिमाग में बहुत ही एक आया आइडिया कि मैंने सोचा इसको अगर 30 दिनों के लिए ज़मीन के अंदर दफना दे, फिर देखते हैं इसमें जंग लगती है कि नहीं। तो यही ट्राई करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे एक छोटी सी रुकिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे खुरपा देख सकते हो। चलो हम इस पर गड्ढा खोदते हैं, फिर अपने मैग्नेट को डालते हैं जमीन के अंदर। चलो गड्ढे को खोदते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं गड्ढा खोदना स्टार्ट कर चुका हूँ। अपना गड्ढा काफी गहरा खोद लिया है। अब चलो इसको हम एक चिम्बुक, देखो मैग्नेट हमारे पास है, ये थोड़ा ये टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा है। चलो इस टुकड़े को पूरा हम दफना देते हैं इस जमीन के अंदर, फिर मिलते हैं 30 दिनों के बाद, देखते हैं इसमें जंग लगती है, गल जाता है, क्या इसकी हालत होती है। तो चलो इसको दफनाते हैं डायरेक्ट जमीन के अंदर। तो गाइस फाइनली हमारा चिम्बुक देख सकते हो, इस तरह से मैंने कुछ रखा है, देख सकते हो गाइस दोनों चिम्बुक टुकड़े मैंने इस तरह से रख दिए हैं। अब इसको हम मिट्टी डाल देते हैं, दफना देते हैं। चंद्र मिट्टी डाल देता हूँ मैं। गाइज फाइनली हमने अपना चिम्बुक दफन कर दिया है, और मैंने ऐसी लोकेशन रखी थी जहाँ पे मैंने मतलब रखे, मुझे ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पे दफनाया था। तो ये पेड़ इतना बड़ा लगा हुआ है देख सकते हो, और इस कोने पे हमने दफनाया है चिम्बुक। तो चलो आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं 30 दिन के बाद, देखते हैं इस चिम्बुक की क्या हालत होती है। देख सकते हो गाइज किस तरह से, किस पोजीशन में यहाँ पे कुछ सब है, इस पर आएगी क्या, अभी वर्षा होगी क्या, मैंने कुछ भी नहीं पता। तो मिलते हैं जल्दी 1 महीने बाद। जय हिंद एंड जय भारत।